Aí chamas de sombra a roça que tem, a roça que tem. बहरहाल जो भी कबूतर चौक या किसी जगह नमाजें पढ़ते हैं, अगर अगली सफें नजर आ रही हैं तो नमाज हो जाएगी, नजर नहीं आ रही हैं तो नहीं होगी। उम्रे में हजर अस्वद का बोसा सुन्नत है, बाकी लड़ाई झगड़ा ना करो। बाहर आपके वालिद को 4 साल से तबीयत खराब, अल्लाह शिफा अता फरमाए। जेराना से उमरा करना जरूरी नहीं है, करें तो क्या कर सकते हैं। पसंद की शादी करना चाहते हैं, रूहानी रुकावट आ रही है। रूहानी रुकावट क्या होती है पहले मुझे लिख के समझाएं, फिर मैं इलाज बताऊं। बद नजरी का इलाज क्या है? ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हमारे घर में हर वक्त लड़ाई होती है, ला हौल पढ़ा करो। मदीने से एहराम बांध के नियत करके निकली कि मुझे मक्का पहुंचे हैज ना आया तो मुरादा करूंगी, आ गया तो नहीं करूंगी, रास्ते में हैज आ गया। बहरहाल हम्बली मसलक में आप एहराम खोल सकती हैं, क्योंकि एक हदीस में है कि महल्ली है स्वाबस्तनी, मेरा उम्रा वहाँ तक है जहाँ तक आपने मुझे ना रोका, रोक दिया तो फिर मैं रुक जाऊँगी। हनफी मसलक में तो दम है, इमाम साहब तो कोई रियायत नहीं करते। अल्लाह ऊपर है यानी आप जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो नीचे उठाते हैं या यूँ उठाते हैं? तो यूँ क्यों उठाते हो, आखिर अल्लाह ऊपर है तो यूँ उठाते हो। मैंने उमरा की असर में मशीन फिरवाई, 2 उमरे और भी करने हैं। बहरहाल अगर मशीन से बाल कटे हैं तो ठीक है। आप कहते हैं कि सूरत रहमान पढ़ा करें शादी के लिए, हदीस है? नहीं हदीस नहीं है, ये बुजुर्गों का तजर्बा है आमाले कुरानी से। जैसे फातिहा शिफा है, अर्रहमान भी अरायसल कुरान है। चंबल जिल्द की बीमारी, अल्लाह शिफा अता फरमाए। जमजम से बड़ा इलाज मेरा भाई और क्या हो सकता है। मैं अमेरिका में आपका दर्द सुन, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। बेटी रबिया की तबीयत ठीक, अल्लाह उनको शिफाए कामला सीयत आज अता फरमाए। 4 उम्रे की है, सफा मरवा 7 करने के बजाय 14 मरतबा किया। बारह अल्लाह कबूल फरमाए, आइंदा 7 ही किया करो।